Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit और today I am walking in Belfast city. अभी Belfast में हैं और आज का टॉपिक भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूके में हाईएस्ट पेइंग जॉब. यूके में कौन कौन से जॉब्स हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है यूके में. तो एक एक करके कुछ मैंने ऐसे पांच लिस्ट बनाई है, पांच पांच अलग अलग जॉब ऑक्यूपेशन की, पांच अलग अलग जॉब ऑक्यूपेशन की जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है. तो मैं थोड़ा आप लोगों को सिटी भी दिखाता हूँ आज. और अभी अभी अक्टूबर ही चल रहा है बट अक्टूबर के हिसाब से बहुत ठंडी बढ़ गई यहाँ पे. तो अभी आज का वीडियो चालू करते हैं. तो पहले पहले लिस्ट में से पहले पहले जॉब की बात करते हैं, जॉब ऑक्यूपेशन की, वो है एक्चुरियल साइंस. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अभी कुछ टाइम पहले एक मुझे मिले थे. ही स्टार्टेड हिज करियर आई थिंक इन 2007, कुछ अब उनको 12-15 साल हो गए एक्चुरी में. ही इज़ अ क्वालिफाइड एक्चुरी. तो एक्चुरी का उन्होंने बताया काम क्या क्या होता है और सैलरी कितनी होती है. तो आई थिंक अभी उनकी करंट सैलरी है 180,000, मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करें उसकी तो कुछ अराउंड 1,80,00,000 रुपए वो सालाना कमाते हैं. अभी पाउंड थोड़ा हालांकि नीचे चल रहा है तो हो सकता है उससे थोड़ी कम हो, बट तब भी कुछ 1.5 करोड़ के ऊपर की उनकी सैलरी है. कुछ उनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और 10-12 साल के बाद अगर आपकी 1.5 करोड़ के आसपास सैलरी है. और वो लंदन में भी नहीं रहते, आई थिंक वो मैनचेस्टर में रहते हैं. मैनचेस्टर में इतनी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है. तो सबसे पहले एक्चुअली जो लिस्ट में है, सबसे पहले एक्चुअल लिस्ट में सेकेंड नाम है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में बहुत अलग अलग कैटेगरीज आते हैं, जैसे सर्जन्स आते हैं, कंसल्टेंट जो होते हैं कंसल्टिंग का काम करते हैं वो, इसी तरह बहुत सारे लोग आपका डायग्नोसिस करते हैं. तो उसमें भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज आती हैं. तो अभी रिसेंटली ही बेलफास्ट में मैं एक से मिला, वो कुछ 15-20 साल से यहीं पे हैं और ही हैज़ डन सो वेल. बहुत सारे उन्होंने घर ले लिए हैं क्योंकि इस कारण से क्योंकि उनकी सैलरी और पे बहुत अच्छा होता है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी कि आपका अराउंड नॉर्थ ऑफ 150,000 आपका इजीली अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी, और अगर आपने खुद की प्रैक्टिस खोल ली, जैसे उन्होंने शायद अपनी खुद की प्रैक्टिस खोल रही है, तो उसके बाद तो आपकी देयर इज नो लाइक सीलिंग, आप कितना भी कमा सकते हो. तो इस लिस्ट में इसलिए अब आज मैं अपना माइक भी टेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे जा जाके बना रहा हूँ तो हो सकता है इस कारण से लोग भी आगे आ रहे हो. तो इस लिस्ट में तीसरा आता है रिस्क प्रोफेशनल, जो भी कोई भी रिस्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं. और इसकी भी यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे और इसकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे FRM करके एग्जाम होता है, अगर आप वो एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आप बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में, इनफैक्ट हर एक कंपनी में, कोई भी बैंक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक है और कोई भी गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंट्रल बैंक है, उन सबको भी कोई ऐसा एक अलग से रिस्क डिपार्टमेंट होता है जो पूरा एनालाइज करता है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क देखता है आपका और भी बहुत सारे अलग अलग रिस्क एनालिसिस का काम होता है, रिस्क मैनेजर्स होते हैं. तो इसकी सैलरी कुछ अराउंड 140,000 के ऊपर. लिस्ट में चौथा है IT, और IT तो अभी IT तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना हर एक कंट्री में, सिर्फ UK में नहीं, मैं पहले आयरलैंड में था वहाँ पे IT का बहुत स्कोप है, US में, हर जगह IT भी बहुत वास्ट, बहुत बड़ी फील्ड है. इसमें भी स्टार्टिंग पैकेज आपका कम भी हो सकता है, उसके बाद आपका धीमे धीमे जैसे प्रमोशन होगा, जैसे आप मैनेजरियल पोजीशंस पे जाओगे. अब IT में भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप क्लाउड साइट पे काम कर रहे हो, जैसे AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, उसमें आपका पे स्केल थोड़ा ज़्यादा होगा. अगर आप जैसे डेटा साइंटिस्ट वगैरह पे पोजीशन पे काम कर रहे हो तो उसका आपकी सैलरीज थोड़ी और ज़्यादा होंगी. बट ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अगेन 80-90,000 के ऊपर ही आपकी सैलरी होगी. और अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, अगर आप जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल पाइथन में अगर आप ये काम करने में बहुत अच्छे हो, तो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग एनी स्किल जो सिर्फ आपके पास है, तो आपकी आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो फोर्थ पोजिशन पर है IT. लिस्ट में आखिरी और पांचवा है सॉलिसिटर या लॉयर या कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ. तो इसमें भी बहुत सारा स्कोप है और मेन बात क्या, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस वाली फील्ड में तो आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है लाइक हर एक कंपनी को कोई ऐसा लीगल डिपार्टमेंट होता है जिनको कोई भी लिटिगेशन उन पर चल रहे हैं, कोई भी केस चल रहा है, किसी भी तरह का एम्प्लॉय केस करते हैं कई बार,
कई बार उनकी क्लाइंट खुश नहीं है, वो केस कर सकते हैं। कई बार नॉर्मल पब्लिक केस कर देती है किसी कंपनी में, तो उसके लिए हर कंपनी का एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, तो वो इन सारी चीज़ों से डील करता है। इसी तरह हर एक कंपनी में कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें भी बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी रहती हैं, कई बार मोर देन 200-240,000 के भी ऊपर रहती हैं, तो 2-2.5 करोड़ तक पहुँच सकती है। बट ऑब्वियसली आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तब उसके बाद होगा। बट इनिशियल सैलरी अगर आप यूके में लॉ करने आते हो, बहुत सारे अंडर ग्रेड के लिए आते हैं लॉ करने, तो उन लोगों का भी 40-50-60,000 की स्टार्टिंग सैलरी लग जाती है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये आज का छोटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई हैव रीच्ड 11,300 सब्सक्राइबर्स एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।